वेलकम बैक टू चैनल। तो अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो मैं अभी वापस वियंग विहार रिसोर्ट में आया हूँ। तो अभी जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं 12:15 बजे। तो अभी जस्ट एंट्री करेंगे, चेक इन करेंगे, फिर उसको बता रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप यहाँ का क्या प्रोसीजर है, कितने चार्जेस है, क्या यहाँ पे एक्टिविटीज़ है। ऑफकोर्स आपने ऑलरेडी वीडियो दिखा रहेगा, बट ये वीडियो और डिटेलिंग में होने वाला है। सो एंड तक देखिए, और चैनल नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए जाते हैं। देखो ये एंट्री पॉइंट है वियंग विहार का। तो ये देखिए अभी ये देखो ये एंट्री पॉइंट है, गेट है यहाँ का, और ये यहाँ से हम आए हैं। ठीक है, हम टमटम से आए, तो टमटम देखिए यहाँ पे है, टमटम यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी वेटिंग है, अभी जस्ट अभी ऑफिस के यहाँ पे हम इंटर करेंगे। देखो आप सामने देख सकते हो, तो ये चेक इन का पॉइंट है, यहाँ पे चेक इन होगा, टिकट्स वगैरह तो आपको बता रहा हूँ कितना क्या रेट्स है। तो भाई देखिए यहाँ पे रिसेप्शन में आपको पहले एंट्री करना पड़ेगा, आईडी वगैरह तो हमारा उससे चालू है, अभी जस्ट हमने पेमेंट अभी कर रहे हैं। ये देखिए ये रिसेप्शन रूम है। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर आप कोई भी जितना भी बड़ा ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे आईडी कार्ड मैंडेटरी है, रिसेप्शन में आपको आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। विदाउट आईडी कार्ड यहाँ पे एंट्री नहीं है। पहले होता था कि मतलब ग्रुप में अगर आए तो एक ही आईडी कार्ड चलता है, बट यहाँ पे अभी जो जो मेंबर्स आ रहे हैं सबका आईडी कार्ड जरूरी है। तो यहाँ पे कोई आ रहा है तो आईडी कार्ड लेके, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड। देखो ये फाइनली हमको ये टिकट मिल गया है। टिकट मतलब यहाँ पर देखो ये कूपन होता है, ये टिकट कंसीडर होता है। चलिए देखो, हमको एक हमारा रूम मिल गया है, रूम अलॉटेड हुआ है। तो मैं आपको हमारा रूम टूर बताता हूँ, हमको रूम कैसा मिला है। देखो ये पीछे देख सकते हो, ये हमारा पीछे का एरिया जहाँ पे हमारा रूम, ये देखो 18 नंबर रूम है हमारा। फिर वह बैठने के लिए झूला लगा है, और सामने गार्डन है, सामने ग्लास हाउस है। मैं आपको अभी रूम टूर बताता हूँ हमारा रूम कैसा है। मारने के लिए थोड़ा लंच का टाइम ऑलरेडी हो चुका है, पर 3 बजे तक लंच है। सोचा कि ये थोड़ा सा चिल मार के लंच किया जाए। देखो सब पता है, झड़प भी चालू है। एंजॉय चेस चेस। फिर मैं नॉनवेज काउंटर में आऊँ तो भी ये चिकन मसाला और मटर मसाला 1 नंबर लग रहा है। चिकन मसाला, चिकन ड्राई, ये मटन मसाला। सो तीनों लेंगे। इधर राइस में डाल दे ऊपर भाई, इधर राइस में डाल दे ऊपर, राइस के ऊपर डाल दे, 1 नंबर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो ये सिटिंग अरेंजमेंट है यहाँ का। तो यहाँ पे आप बैठ के लंच का आनंद उठा सकते हो, 1 नंबर है। टेस्ट 1 नंबर है, बट गाने खाने का मैंने वियंग विहार रिसोर्ट में एक रिव्यू देना चाहता हूँ। मतलब लिटरली बोलता हूँ, पैसा वसूल है और लाजवाब खाना है, और वैरायटी बहुत सारी है। मतलब फूड आइटम, मतलब टेस्ट एकदम ऐसे तुमको लगेगा नहीं कि जरा अभी रेस्टोरेंट में खा रहे हो, ऐसे लग रहा है कि 5 स्टार होटल में खा रहे हो। लिटरली पैसा वसूल है, तो प्लीज़ विजिट करिए। तो चलिए मिलते हैं अभी स्विमिंग पूल में। तो गाइस देखिए, अभी मैं स्विमिंग पूल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। ये स्विमिंग पूल का टाइमिंग है, मॉर्निंग 9 AM से 1 PM तक का टाइमिंग है, और फिर वापस लंच के बाद 3 PM से लेकर 6 PM तक का टाइमिंग है। यहाँ पे सब रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं। तो ये देखिए स्विमिंग पूल, ये देखिए ये छोटा स्विमिंग पूल है बच्चों के लिए। यहाँ पे 2 आपको राइड्स मिल जाएंगे खेलने के लिए, और देखो यहाँ पे बड़ा स्विमिंग पूल है। यहाँ पे आई थिंक तो 4.5 फुट की उसकी हाइट है, और देखो यहाँ पे ऊपर देख रहे हो ये रेन डांस है। तो अभी आई थिंक तो बंद हो गया है, बट बहुत मज़ा आया यहाँ पे रेन डांस पर। एक नंबर। सो गाइस आप देख सकते हो ये मेरे सामने, ये है ग्लास हाउस बोलते हैं उसको। सो ये ग्लास हाउस भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये देखिए
एकदम मिडिल में ही है ग्लास हाउस। सो रात में एकदम मस्त लाइटिंग रहती है यहाँ पर। सो ऑफकोर्स अभी ये ग्लास हाउस हमने बुक नहीं किया तो अंदर का दिखा नहीं सकता हूँ, बट हाँ मैंने बाकी के वीडियो में देखे हैं तो ग्लास हाउस भी आप अवेल कर सकते हो। तो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो ये स्नैक्स काउंटर है। सो अभी बजे हैं 6 से 7 बजे तक का स्नैक्स का टाइमिंग होता है। तो देखो स्नैक्स में आपको वड़ा मिलेगा, तो मस्त आप स्नैक्स में टी कॉफ़ी के साथ वड़ा का एंजॉयमेंट ले सकते हो। मस्त देखिए गरम गरम वड़े रखे हुए हैं, तो अनलिमिटेड है एक प्लेट में जितना भी खाना खाऊँ और चटनी वगैरह है। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ ये ब्रिज पे। तो ये देखो इन लोगों ने ये प्राइवेट उन्होंने लेक बनाया है। तो वहाँ पे देखिए अनलिमिटेड बोटिंग है। अभी 6:30 बजे तो अभी बोटिंग का टाइमिंग ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे अनलिमिटेड बोटिंग कर सकते हो। और बोटिंग के पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेन भी अवेलेबल है, टॉय ट्रेन बोलते हैं उसको, तो उसका ट्रेन का भी आप एंजॉयमेंट ले सकते हो। अनलिमिटेड राइडिंग है, वो इसका एक्स्ट्रा कॉस्टिंग ही है। तो चलिए अभी मैं आपको इसका सिनेमेटिक व्यू दिखाता हूँ। देखो ये टॉय ट्रेन है, अभी थोड़ी देर में हम इसके अंदर बैठने वाले हैं, फुल रिसोर्ट का फुल राइड लेने वाले हैं। टॉय ट्रेन एक नंबर, एंजॉय। तो गाइस आप देख सकते हो ये कैफेटेरिया के बाजू में कि इन्होंने रिसोर्ट का एक मैप लगाया है। ये देखो ये रिसोर्ट का पूरा रिसोर्ट का मैप है। सो अभी जस्ट मैंने इंक्वायरी किया तो वहाँ पर पता चला कि ये टोटल 10 एकड़ की जगह है, 10 एकड़। तो ये टोटल देखो यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल बीच है। तो यहाँ पे देखो ये बीच का एंट्री पॉइंट है, ओके। और ये सब ये देखिए यहाँ पे ये जो राउंड में जो ये आप देख रहे हो ये इनका टॉय ट्रेन का पटरी है। और ये देखो अभी अपन यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो इतना बड़ा रिसोर्ट है, 10 एकड़ का टोटल जगह है। तो थोड़ा जूम करके बताओ देख लीजिए। ये देखिए ये जो देख रहे हो ये स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा रिसोर्ट है। वैसे भी हम लोग जा रहे हैं सनसेट का व्यू देखने के लिए। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये देखो ये इन्होंने तालाब बनाया है फिशिंग के लिए। ये मैनमेड तालाब है, आप देख सकते हो, देखिए पूरा मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। तो चलिए आप ये अपना जो ब्रिज मैंने बताया था, और ये देखिए ये बीच का एंट्री पॉइंट, ये देखिए यहाँ पे। तो गाइस देखिए मैं अभी पहुंच चुका हूँ, ये देखिए इसका ये एंट्री बोल सकते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूँ ये प्राइवेट बीच में। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो ये इनका प्राइवेट बीच। तो ये देखिए ये विहंग विहार का प्राइवेट बीच। अभी वो समुंदर बहुत अंदर चले गया है, बट ये देखिए एकदम साफ सुंदर और ज़बरदस्त बीच है। सनसेट तो जा चुका है, थोड़ा सा मिस कर दिया हमने सनसेट। थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने कितने पैसे भरे और हम कितने जन थे। तो अभी यहाँ पे हम 5 जन आए हैं, और हमने एक डिलक्स रूम बुक किया है। उसके अंदर उन्होंने एक्चुअली हमको एक ही रूम चाहिए था क्योंकि फैमिलीज वगैरह थी। तो 2 2x2 के बेड थे, और एक उन्होंने एक बेड एडजस्टमेंट किया हुआ एक रूम में, ठीक है। और उन्होंने 2600 का चार्जेस लिया हुआ इंक्लूडिंग ऑल, ठीक है। तो हम लोग सफाले स्टेशन से उतरे, वहाँ से हमने टमटम पकड़ी। सफाले स्टेशन से टमटम अप्रोक्सीमेटली उसमें 400 रुपये चार्ज किया। सो जो भी आ रहा है उनको टमटम से या फिर प्राइवेट व्हीकल है तो प्राइवेट व्हीकल। सफाले स्टेशन से आपको 25 किलोमीटर ये विहंग विहार रिसोर्ट है, ओके। सो जो भी नज़दीक रहता है तो बाइक प्राइवेट व्हीकल या फिर टमटम से आ सकते हैं इजीली। आपको स्टेशन के बाहर आपको टमटम मिल जाएगा,
और ज़रूर आइए यहाँ पे, प्लीज़ विज़िट करिए। और चैनल को अगर जिसने सब्सक्राइब, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाइए। तो चलिए, अभी शाम के 7 बजे सनसेट तो हो गया, अनलकीली तो बोल नहीं सकते, अनलकीली मेरा सनसेट का मिस हो गया है, लेट हो गया इसलिए। सो अभी टाइमिंग है डीजे का, तो डीजे डांस होगा, फिर थोड़ा मूड बनेगा, फिर वापस रात का खाना, वापस रात में और भी एंजॉयमेंट होगा। तो चलिए, देखते रहिए लास्ट तक, बाय बाय। तो गाइज, आप देख सकते हो ये वही स्विमिंग पूल है जहाँ पे हमने एंजॉयमेंट किए थे। अभी बच के 7:30, मतलब पूरा अंधेरा हो गया। तो देखिए, मतलब डेकोरेशन देखो, मतलब यार लाजवाब है यार, मतलब तुमको बैक कैमरा से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे लाइटिंग, मतलब लाजवाब यार, खतरनाक। सो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7:20। तो कल रात को हमको 3:30 सोने के लिए, तो फुल रात को भी चिल मार रहे थे थोड़ा, पबड़ी भी आया था, सो फुल मज़े किए। अभी देखो नाश्ता नहीं, टी एंड कॉफ़ी का काउंटर लगा है, तो अभी जैसे हमने टी और कॉफ़ी ली है, और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट मतलब हैवी ब्रेकफास्ट होगा। यहाँ पे एक केयर टेकर है रियंग वीआर के, ये बदक के, ये सब चीज़ के। तो उन्होंने देखो, ये छोटा बच्चा बदक का छोटा बच्चा एक निकाला है, आपको दिखाता हूँ। ये बदक का, डक का छोटा बच्चा है, एक नंबर। फर्स्ट टाइम इतना मैं डक का छोटा बच्चा देख रहा हूँ, एक नंबर यार, जबरदस्त। डक का ये छोटा बच्चा है, जरा जूम करना। तो मैंने देखो बच्चे को उठाया, तो उनके सब फैमिली वाले देखो कैसे चिल्लन चाली करने लग गए, हाँ जूम जाओ। तो देखो ये डक का एकदम छोटा बच्चा है, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, इतना क्यूट है, और कलर भी उसका देखा ना, मस्त है कलर है, जूम कर। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये एक सेटअप लगा हुआ है इवेंट का। तो इवेंट आज संडे का दिन है, तो इवेंट ऐसा है, यहाँ पे हल्दी और शादी का प्रोग्राम है, तो उन्होंने पूरा रिसॉर्ट बुक किया है। सो हमारा आज 10 बजे चेक इन है, शाम को यहाँ पे हल्दी का प्रोग्राम है, हल्दी और शादी। तो पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पे इवेंट भी बहुत बड़े किए जाते हैं, बहुत बड़ा स्पेस है। तो मैं चलो बताता हूँ इन्होंने डेकोरेशन वगैरह कैसे किया है। तो गाइस देखिए, ये इन्होंने एंट्री पॉइंट पे, देखो ये गेट यहाँ पे है, ये इनका एंट्री पॉइंट पे, यहाँ पे इन्होंने एक वेलकम का एक डेकोरेशन किया है, जबरदस्त लाजवाब। हाँ, क्या बात है, मतलब क्या मजा आएगा यार, मतलब यार कोई भी यार इसी जगह शादी कर रहा है, आप बोल सकते हो कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकता है यहाँ पे, मतलब हो सकता है क्या, हो तो रहा है, ज़रूर करिए आप भी। ऑफकोर्स जिसका शादी नहीं हुआ है वो इवेंट भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट इवेंट वगैरह, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए। तो यहाँ पे ही सामने ही है, देखो ये बच्चे लोग के खेलने, झूला वगैरह ये सब, हाँ बस अब बच्चे लोग भी इंजॉयमेंट कर सकते हैं, छोटे छोटे अपने जो होते हैं। मेरी बच्ची यहाँ पे देखो, ये मेरी छोटी बच्ची, और ये मेरी बड़ी बच्ची शीतल, मम्मी है तो काम।